हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर चैनल ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर फैमिली, थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने इनका हाथों का और चेहरों का ब्लीच किया है, चेहरे का, और इसके बाद फेशियल होगा, पूरा ब्लीच किया है फ्रेंड्स। हमने साड़ी ऐसे ही बांध कर रखी है क्योंकि इनका मुझे बहुत ही फास्ट में फेशियल करना है और इसके पहले कटिंग हो चुकी है तो नीचे बहुत सारे बाल गिरे हुए हैं, तो इसलिए हमने साड़ी ऐसी पैक कर ली है थोड़ी। आप लोगों को लगता होगा कि हमने काम वाली वैसी साड़ी पहनी, वैसी नहीं है, पर ऐसे ही थोड़े से पैक कर ली है क्योंकि इनका फास्ट में मुझे फेशियल करके देना है स्टेप बाय स्टेप। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं फेशियल का वीडियो अपलोड करूं, तो आज हमने फेशियल का वीडियो डालने को सोचा है। ये दीदी का पहले भी हमने फेशियल अपलोड किया था तो आज भी कर रही हूँ। देखो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फेशियल करते हैं और इस फेशियल से इंस्टेंट ग्लो आता है। इससे पहले इनका गोल्ड का ब्लीच भी किया है हमने, जो आपको दिखाया था। हमने चूड़ियाँ उतार कर रखी है क्योंकि थोड़ी सी भी चूड़ियाँ नहीं जमती और अंगूठी भी नहीं जमती जब भी हम फेशियल करते हैं, तो इसलिए हमने चूड़ियाँ निकाल ली है और फास्ट में फेशियल के स्टेप ले रहे हैं। ऐसा फेशियल हमने आधा घंटा तक मसाज की है। ऐसा करने से एकदम इंस्टेंट ग्लो आता है और फेस को आकार भी आ जाता है। इस दीदी की उम्र शायद नहीं, सच्चे में 57 है, पर इनकी लगती नहीं क्योंकि ये 15 साल से हमारे पास पार्लर में आके फेशियल करती है हमेशा। वो भी ये फेशियल थोड़ा सा महंगा वाला है, अच्छा इंस्टेंट ग्लो वाला, और गोल्ड का ब्लीच किया है इनका। फ्रेंड्स, आप लोगों के कभी कभी कमेंट्स के जवाब देने में वक्त लगता है तो सॉरी। और स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देख लीजिएगा कैसे मसाज किए हैं हमने। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बहुत सारे स्टेप हैं, 15, 16। स्टेप हो चुके हैं 17। ऐसे स्टेप करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। हमेशा मैं आपको आपके साथ ऐसे ही फेशियल के स्टेप अच्छे अच्छे शेयर करती हूँ। आप पूरा देख लीजिएगा वीडियो, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फेशियल समझ में आ जाएगा। हमने टॉवल नहीं लगाया इसलिए कि इस दीदी ने हमें टॉवल लगाने को नहीं दिया, तो इसलिए हमने पार्लर का टॉवेल यूज़ नहीं किया। और ये जो स्टेप ले रहे हैं हम, ऐसे स्टेप से जो भी चूड़ियाँ होती है, स्टेप नंबर 18, अलग अलग स्टेप बीच बीच में करते हैं हम ताकि रिजल्ट अच्छा आए और हमारे हाथ भी मशीन जैसे चलते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं पार्लर को और रोज़ रोज़ फेशियल से पूरी प्रैक्टिस। स्टेप नंबर 19, अलग स्टेप आए तो हम आपको नंबर बताएंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम लेके आज हमने इनका फेशियल किया है क्योंकि मुझे रिजल्ट भी दिखना था ज़्यादा क्रीम यूज़ करके कैसा लगता है फेशियल। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया है फेशियल्स का, तो फास्ट में मैं जल्दी में ही आज आपको दिखा रही हूँ क्योंकि पूरा एक घंटे का वीडियो तो नहीं दिखा सकती।
और हमारे फेशियल के स्टेप सभी कस्टमर को बहुत ही पसंद आते हैं, पर कोई कोई आता ही है पार्लर में फेशियल के लिए पर शूटिंग नहीं लेने देता, तो इसलिए आपको ज़्यादा पार्लर के फेशियल के वीडियो नहीं दे सकती मैं। ये दीदी हमारी हमेशा की कस्टमर है और बहन जैसी ही है, तो इसलिए ये दीदी हमेशा नहीं नहीं बोलती, तो इनके वीडियो हमने 2-3 बार अलग अलग आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि इनका मंथली फेशियल रहता है। और ऐसे फास्ट स्टेप से बहुत ही सुंदर रिजल्ट आ गया है इनके चेहरे का। स्टेप नंबर 20, ये थोड़े से अलग स्टेप हैं। इनको मेरे हाथ का फेशियल बहुत पसंद आता है। आप भी आपके क्लाइंट का ऐसे स्टेप बाय स्टेप फेशियल करके दे सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है फेशियल का। आँखों की मसाज जरा सा अच्छे से लेना, क्योंकि आँखों के पास की झुर्रियाँ जल्दी ही आ जाती है, तो मैं आँखों की मसाज थोड़े से ज़्यादा ही लेती हूँ ताकि झुर्रियाँ ना आ सके। ये दीदी बहुत दिनों के बाद पार्लर में आई है, तो हमारे फ्रेंड जैसे तो बहुत सारी बातें कर रही है हमारे साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि फेशियल करते वक्त बातें करती है, पर हम ज़्यादा दिन मिलते भी नहीं, तो बहुत दिनों की बातें रहती हैं। तो दीदी हमारे साथ अभी बातें कर रही है, इनके मुंह में भी क्रीम जा रहा है। तो इस तरह से जो क्लाइंट्स हमारे फ्रेंड्स रहते हैं तो बातें करते ही हैं, सभी कस्टमर के साथ तो फ्रेंडशिप नहीं होती। कुछ कुछ कस्टमर बहुत ही क्लोज हैं हमारे, जैसे घर के हैं वैसे। और आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम कैसे फेशियल करते हैं, तो आप लोगों को पूरा फेशियल समझ में आ जाएगा। और आज हमने आपको चेहरा भी नहीं दिखाया है, थोड़ा सा काम करते वक्त दिखता होगा, क्योंकि वो इतना वक्त ही नहीं था कि कैमरे में और आपसे बात करो। कभी कभी जल्दी रहती है हमें और भूल भी जाती हूँ मैं डायरेक्टली बात करना कभी कभी। वैसे तो मेरे पास माइक है, फिर भी मैं ऐसे डायरेक्टली बात नहीं करती, क्योंकि उनका इतना वक्त ही नहीं रहता, तो आपको सिर्फ काम दिखाने की कोशिश करती हूँ। अभी इनके पीछे से मैं अच्छे से मसाज करूँगी। हर फेशियल मेरा नया रहता है, क्योंकि क्लाइंट वही रहते हैं कभी कभी, क्योंकि मंथली क्लाइंट पार्लर में आते ही है, पर फेशियल इनका ये नया है। नया मतलब हर महीने का अलग वाला। तो इस तरह से मैं पीठ की भी अच्छे से मसाज करके दे रही हूँ, क्योंकि जितना चेहरे की मसाज की उतनी पीठ की भी अच्छे से मसाज करनी चाहिए, नहीं तो पीठ काली दिखती है और चेहरा गोरा दिखता है। तो इसीलिए पीठ की मसाज मैं अच्छे से लेती हूँ स्टेप बाय स्टेप। बराबर करीब करीब 25-26 स्टेप्स लिए हैं हमने पूरे, इधर के हमने गिन के नहीं दिखाए आपको। और अभी इस पैक लगा रही हूँ, और अभी आपको मैं आईने में दिख रही होंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आपको दिखी ही नहीं। हमने आज पूरे बाल पैक कर लिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। एक सब्सक्राइब से आपकी लाइफ बन सकती है, मेरी लाइफ बन सकती है सॉरी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।